नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका एक और नए फ्रेश एपिसोड के साथ सीएससी नॉलेज बेस में। आज की अपडेट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 1 जुलाई से नए फॉर्मेट में मिलेंगे वाहनों के रजिस्ट्रेशन यानी RC और DL। आखिर क्या कुछ बदलाव होने वाला है RC और DL में, क्या नई जानकारी होगी, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई 2019 से पूरे देश में नए फॉर्मेट के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेंगे। नई व्यवस्था के तहत देश भर में एक जैसे ही कार्ड होंगे। इनमें अभी मौजूद कार्ड की जगह ज़्यादा और नई जानकारियां होंगी। दोनों कार्ड्स में QR कोड के साथ साथ चिप भी होगी। कार्ड पर प्रिंट जानकारियों के अलावा चिप में चालक और वाहन की हर जानकारी शामिल होगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी कई नई जानकारियों को शामिल किया गया है। इसके QR कोड में गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टायर के दोनों ओर हैंगिंग की भी जानकारी दर्ज होगी। इससे कमर्शियल वाहनों में बढ़ाई गई लंबाई को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। अब तक रजिस्ट्रेशन कार्ड पर सिर्फ सीटिंग कैपेसिटी ही लिखी जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद इस पर सीटिंग, स्टैंडिंग और स्लीपर कैपेसिटी भी दर्ज होगी। यह जानकारी यात्री वाहनों के लिए महत्वपूर्ण होगी और इससे ओवरलोडिंग जैसे मामलों में आसानी से जांच कर कार्रवाई की जा सकेगी। ट्रैक्टर जैसे वाहनों में अलग से लगने वाली ट्रॉली का नंबर भी उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज होगा। साथ ही गाड़ी में अलग CNG या LPG किट लगी है तो उसका नंबर भी दर्ज किया जाएगा। लाइसेंस कार्ड की चिप में भी प्रिंट की गई सभी जानकारियां सेव होंगी। इसमें चालक द्वारा परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर उस पर लगे अपराध और चालान की जानकारी भी रहेगी, ताकि कभी भी कोई नियम तोड़े जाने पर, अपराध किए जाने पर उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जा सके। वहीं रजिस्ट्रेशन कार्ड की चिप में भी वाहन और वाहन मालिक की सारी जानकारी के साथ साथ वाहन द्वारा किए गए अपराधों की सारी जानकारी सेव होगी। इसके साथ ही इसमें टैक्स, बीमा, PUC यानी पॉल्यूशन की सारी जानकारी दर्ज होगी। कमर्शियल वाहनों के मामले में उनका रूट, परमिट, फिटनेस सहित कई और जानकारियां इसमें सेव होगी। सरकार की यह नई योजना आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह की और जानकारी के लिए CSC नॉलेज बेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।